डाइकोम्यो। तीन अलग अलग कांजी है ये, जापानीज कांजी। इसका मतलब होता है ग्रेट शाइनिंग लाइट। बट मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल का भले आप मैंने यहां पर ग्रेट शाइनिंग लाइट लिखा हो, ये सिंबल का जो एक्चुअल कलर है वो है रॉयल पर्पल, या फिर मैं कहूंगा वायलेट। देखिए जरूरी नहीं होता है कि हर पर्सन को जब हम थर्ड लेवल की अटेनमेंट देते हैं तो उनको रॉयल पर्पल या पिंक या पर्पल टाइप का कलर दिखे या वायलेट कलर दिखे। ये डिपेंड करता है उनकी जर्नी पे, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे है, आपकी जर्नी बराबर है, वो अटेनमेंट के बाद आपको प्रूव, आपने अपने आप को प्रूव कर दिया कि आई एम ऑन राइट पाथ। सो डाइकोम्यो मीन्स ग्रेट शाइनिंग लाइट, और मैं ग्रेट शाइनिंग लाइट भले इसका मतलब निकालता हूं, बट एक्चुअली में डाइकोम्यो का जो कलर है वो रॉयल पर्पल है, जिसको हम वायलेट भी कह सकते हैं, रॉयल पर्पल वायलेट। अभी जो सिंबल है इसको डाइकोम्यो को मास्टर सिंबल कहते हैं। अब मास्टर सिंबल का मतलब ये हुआ कि ये सारे सिंबल्स में सर्वोपरि है। मतलब अगर मुझे कोई कहेगा कि डाइकोम्यो क्या है तो मैं कहूंगा डाइकोम्यो इक्वल्स टू चोकुरे, चोकुरे से है की प्लस ओन शा जे शो ने। ये तीनों सिंबल का कंबाइन पावर डाइकोम्यो के पास है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं मास्टर सिंबल। मतलब सिर्फ ये सिंबल अगर आप बनाते हो तो भी ये काफी हद तक आपके सारे सिंबल्स का काम करता है। अगर ये सिंबल्स किसी और सिंबल के साथ बनाया जाए तो उस सिंबल की इफेक्टिवनेस को ये बढ़ाता है। मतलब अगर आपने डाइकोम्यो प्लस चोकुरे किया तो ये चोकुरे की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, क्योंकि ये मास्टर सिंबल है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह से बनाना है और किस तरीके से बनाओगे तो इफेक्टिव होगा। लोग अपने अपने तरीके से डाइकोम्यो बनाते हैं, पर अपने यहां से जो डाइकोम्यो बनता है और जिस तरह से उसको रिलीज किया जाता है अपने हाथों से, अपने ब्रीथिंग से, तो वो तरीके से डाइकोम्यो इफेक्टिव होता है। देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूं, ब्रह्मास्त्र दो योद्धाओं के पास है, चलाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो ब्रह्मास्त्र का उपयोग कैसे करता है। ठीक है, दो पर्सन है जिन्होंने साइकिल रेस में हिस्सा लिया, दोनों के पास एक जैसी साइकिल है, पर जो पर्सन के पास अच्छी टेक्निक होगी वो साइकिल ले सीखेगा। सो डाइकोम्यो अट्यून होने के बाद, डाइकोम्यो अट्यून होने का मतलब ये नहीं हुआ कि डाइकोम्यो से आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लोगे या इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। अंटिल और अनलेस जब तक आप सही टेक्निक का इस्तेमाल ना करें तब तक डाइकोम्यो का आप 100% बेनिफिट्स नहीं ले सकते। तो किस तरह से हम इसका यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट है डाइकोम्यो सिंबल जो है ये स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है आपके अंदर। अब सीधी बात है कि अगर ये स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है तो ये आपको हील करेगा एट स्पिरिचुअल लेवल। अब स्पिरिचुअल लेवल पर हील होने का मतलब ये हुआ कि आपकी आध्यात्मिकता हील करेगा, मतलब आपका हीलिंग पावर बढ़ाएगा, आपकी हीलिंग एबिलिटी बढ़ाएगा। आप जब मेडिटेशन करोगे तो आपको वो फ्रूट्स मिलेंगे जो फ्रूट्स आप चाहते हो, दैट इज स्पिरिचुअल लेवल पे हीलिंग होना। लोग कहते हैं कि डाइकोम्यो आपको स्पिरिचुअल लेवल पर हील करता है, बट कैसे? स्पिरिचुअल लेवल पे ये इसलिए हील कर पाता है बिकॉज ये स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है जो आपने अटेनमेंट के वक्त देखी। इससे क्या होगा, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, मतलब आपकी हीलिंग एबिलिटीज बढ़ेगी, आपकी मेडिटेशन करने की क्षमता बढ़ेगी। मैं क्षमता की बात तो नहीं कर सकता हूं बिकॉज मेडिटेशन हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, बट क्वालिटी आपके मेडिटेशन की इंप्रूव होगी और आप किसी भी चीज को हीलिंग या किसी भी चीज का क्लेंसिंग कर सकते हो बड़े आराम से। नेक्स्ट, ये आपके सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। मतलब मान लीजिए कि किसी के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव बिलीफ है, पैसा कमाना आसान नहीं है, केला खाने से सर्दी हो जाएगा, सो ऐसी बिलीफ को
लेवल टू में हमने देखा कि सहकी से दूर किया जाता है, बट अगर सही तरह से इसको सबकॉन्शियस माइंड से निकालना हो, गलत बिलीफ को चेंज करना हो, तो डाइकोमियो काम आता है। वाई? बिकॉज डाइकोमियो के पास स्पिरिचुअल एनर्जी है। अब मैं ये कह सकता हूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि डाइकोमियो अकेला स्पिरिचुअल लेवल को तो हील करता है, बट फिजिकल लेवल को भी हील करेगा, इमोशनल लेवल को भी हील करेगा, सहे की कॉन्शियसनेस एंड मेंटल लेवल को भी हील करेगा। अगर आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरह से हील है, तो आप सोशली भी हील होगे। डाइकोमियो आपको सबकॉन्शियस माइंड की बिलीफ को, अगर वो हील करता है, तो आपको फाइनेंशियली भी हील करेगा। मतलब आपकी ए टू जेड, पीन से लेके पियानो तक की सारी हीलिंग डाइकोमियो सिंबल करता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिंबल की अहमियत नहीं है। देखिए, हर एक की अहमियत होती है। डाइकोमियो सिंबल मास्टर सिंबल है, बट सही मायने में किसी एक पर्सन के लिए वो मास्टर सिंबल होता है, क्योंकि डाइकोमियो सिंबल, चौकुरे सिंबल, सहेकी सिंबल, होंशियाजेश्वर सिंबल, ये जो चार सिंबल्स है, वो किसी न किसी एंजल से जुड़े हुए हैं। थर्ड लेवल की अटेनमेंट के बाद, यहां से बाहर का पता नहीं, यहां से जब भी थर्ड लेवल की अटेनमेंट होती है, सो पर्सन किसी ना किसी एंजल से जुड़ जाता है, सो किसी ना किसी सिंबल से वो कनेक्ट होगा, और वो सिंबल उसका मास्टर सिंबल होता है। अभी आपको अंदाजा लग गया रहेगा कि अगर यहां पर वायलेट है, रॉयल पर्पल आपको दिखा है, सो आपका मास्टर सिंबल क्या हो गया? बाय डिफॉल्ट डाइकोमियो। ठीक है, और नंबर टू, आप डाइकोमियो आपका मास्टर सिंबल है, मतलब आप वेल कनेक्टेड है विथ आर्कएंजल माइकल। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से स्पिरिचुअल हीलिंग एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ अकेले हीलिंग नहीं करते हो, आप इन्वॉल्व करोगे हीलिंग में माइकल को, कि मेरे पास आके खड़े रहिए, मुझे इस मेल को हीलिंग करना है। सो आप वेल प्रोटेक्टेड रहेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट्स व्हाई ये मास्टर सिंबल जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई दूसरा कलर दिखा होता, जैसे मैं बाद में आपको सिलेबस में जो है वो बताऊंगा, तो आपका मास्टर सिंबल कोई और होता, बट जनरली इसको मास्टर सिंबल कहते हैं, बट आपका भी यहां पर मास्टर सिंबल ही है। नेक्स्ट, अगर हम देखें यहां पर अटेनमेंट जब होती है, तो ये सिंबल अटेनमेंट करने में भी काम आता है, क्योंकि अटेनमेंट एक स्पिरिचुअल सेरेमनी है, स्पिरिचुअल एनर्जी काम आएगी। सो विदाउट डाइकोमियो आप किसी को अटेन कर ही नहीं पाएगी, सो अटेनमेंट के लिए भी ये काम आता है। और ऐसे मैंने बताया कि कोई ऐसा पर्पस नहीं है, कोई भी ऐसा पर्पस नहीं है जहां पर हम डाइकोमियो को यूज ना करें। सो डाइकोमियो सिंबल, आपको तीन टाइप के डाइकोमियो सिंबल्स अट्यून किए हैं, जैसे मैंने बताया ट्रेडिशनल है, तिब्बतियन है और डुमो। आप तीनों में से किसी का भी यूज करेंगे एज पर योर कंफर्टेबल जोन, और कैसे करेंगे तो टेक्निक मायने रखेगी, क्योंकि डाइकोमियो सिंबल बनाने से काम हो गया ऐसा नहीं है जब तक आप इसको प्रॉपरली, प्रॉपर टेक्निक से यूज ना करें तब तक। ये तो मैंने बताया आपको, जैसा हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको और भी बताऊंगा किस तरह से हम डाइकोमियो सिंबल का यूज करें। आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक मेडिटेशन के बारे में बताया था, जिसका नाम था को तो डामा। मैं इसका आपको असर बताता हूं, और मैं आपको टेक्निक बताता हूं कि डाइकोमियो सिंबल बनाना कैसे।